घर के बाहर खड़ी पिकअप को चुरा ले गए चोर। स्कूटी सवार ने पीछे पीछे दी साथी चोरों को सुरक्षा। सूरजगढ़ के वार्ड नंबर 18 में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दिखी चोरी की पिकअप जाती हुई। पीड़ित ने सूरजगढ़ थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे से पिकअप चोरी की वारदात हुई है। इस वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरों में सूरजगढ़ की मुख्य सड़कों से चोर पिकअप को तेज गति के साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक संदिग्ध स्कूटी सवार भी दिखाई दिया जा रहा है, जिसे लेकर संभावना जताई जा रही है कि अपने साथी चोर को ये व्यक्ति स्कूटी पर लेकर आया था। इसके बाद पिकअप चोरी के बाद पीछे पीछे से सुरक्षा दे रहा है। घटना रविवार सोमवार के दरमियान रात करीब 1 बजे की है, जब पूरा सूरजगढ़ सोया हुआ था। पुलिस को अभी कहीं अता पता नहीं था। चोरों ने इस टाइम वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दे दी है। पुलिस रिपोर्ट और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका मकान सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 18 डालमिया धर्मशाला के पास है। उनके पिता सुरेश चंद्र भिवाड़ी रहते हैं, जहां पर उन्होंने पिकअप एक फैक्ट्री में किराए पर लगा रखी है, जिसको उनके पिता ही चलाते हैं। लेकिन करीब 15 दिनों से घर में काम होने की वजह से उनके पिता खुद भी सूरजगढ़ आए हुए हैं। वही पिकअप को भी अपने साथ सूरजगढ़ ले आए, जो घर के बाहर ही खड़ी थी। रविवार सोमवार के दरमियान रात को करीब 1 बजे अज्ञात चोर पिकअप को चुरा ले गए। घर के आगे से पिकअप चुराने के बाद कुछ दूरी तक बिना हेडलाइट ऑन किए चार पिकअप को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ दूरी पर जाते ही न केवल चोरों ने पिकअप की हेडलाइट ऑन कर ली, बल्कि पिकअप को तेजी के साथ कस्बे के बाहर ले गए, जिसके पीछे पीछे एक स्कूटी और उस पर सवार एक युवक भी दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप और चोरों की तलाश शुरू कर दी है।